चुनावी गठबंधन के बीच सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने आए आप और कांग्रेस, आइए जानते हैं पूरा मामला। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए भले ही तीन राज्यों में गठबंधन हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोनों आमने सामने हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के जोगिंदर नगर में ब्रिटिश कालीन जल विद्युत परियोजना शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के प्रबंधन के मसले पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पंजाब सरकार की इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। अपनी याचिका में पंजाब सरकार ने इस परियोजना की 99 साल की लीज खत्म होने पर हिमाचल सरकार के प्रोजेक्ट टेक ओवर करने पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई कर समाधान निकालने की मांग भी की है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का भरोसा देते हुए कहा कि इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। पंजाब सरकार ने कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रोजेक्ट की 99 साल की लीज खत्म होने पर परियोजना के रखरखाव करने और अन्य जिम्मेदारियां संभालने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दाखिल की गई है। इस अनुच्छेद के तहत इस अर्जी पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। पंजाब सरकार ने अपने सिविल सूट में कहा है कि इस लीज की समाप्ति अप्रासंगिक है, क्योंकि परियोजना का रखरखाव और नवीनीकरण राज्य सरकार ने अपने स्वयं के पैसे से किया है, ताकि इसकी क्षमता 48 से 110 मेगावाट तक बढ़ाई जा सके। पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस परियोजना और बिजली घर पर कब्जा करने की नियत होने का आरोप लगाया है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।